अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसी हिजाज हूं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी। टीवी लगी हुई है, टीवी का रिमोट जो है इतने किया हुआ है ख़राब, और इसकी आवाज़ मुझसे बिल्कुल बंद नहीं होती। दफा नहीं किसी तरीके से रिमोट को चलाते हैं। तो बस आज का जो मेरा ब्लॉग है, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रिसमस वाले दिन कोई भी नहीं था आया हमारे घर पे, ना अम्मी ना सिस्टर लोग ना हम लोग कहीं गए थे, क्योंकि सबों की भी तबीयत ठीक नहीं थी और ईसर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अम्मी के घर से जी मुझे आई है पंजाब की पिनी है मेरी पुप्पों के हाथ की, तो वो मैं आपको दिखाती। सिस्टर लोग गए हुए थे क्योंकि ईसर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इस वजह से नहीं गई थी। ठीक है, तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जी। एक तो मैंने खा ली है मज़े दार सी, और दो लड्डू थे वो भी जफर जी ने खा लिए, बड़े मज़ेदार थे। आपको पता पंजाब की चीज़ों का जायका ही कुछ और होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी के घर से जी आई थी मेरे लिए पिनिए, तो बड़ी सिस्टर गई हुई थी तो वो लेकर आई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो खुशबू जी पंजाब की बड़ी मज़ेदार आती है, और पंजाब का जो देसी घी होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, और मुझे मैसेज पे बताइएगा पिनिए किस किस को पसंद है, और मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छा पहले मैंने इस बोल में रखी थी, ठीक है, तो इस बोल में आने थी रही, तो फिर मैंने यहाँ पे रख दी थी। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये जी मेरे अम्मी पुप्पों के हाथ की पिनिया, और ये पंजाब से आई है और बड़ी मज़ेदार है। अच्छा यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लड्डू भी आया था। अच्छा मैं खोलती हूँ, ये देखें, ये भी पंजाब से आया था, ये बड़ा मज़ेदार है, वो लच्छा टाइप होता है जैसे वैसे है। तो ये जफर ने जी खाया है, जफर ने और एजल ने खाया है, ये दो थे। अच्छा मुझे ये वाला पसंद नहीं है। बाकी ये देखिए एक पिन्नी भी मैंने खाई, ये जफर ने ये लड्डू खाया। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे रखी थी, इस पे आने थी रही, फिर मैंने इस पे रख दी। ठीक है, तो मेरी अम्मी ने भेजी है मेरे पुप्पों की हाथ की पिन्नी है, तो बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, तो ये आप देख सकते मज़ेदार, ये पता नहीं बीच में बादाम, ये अलसी क्या बोलते हैं मुझे इतना पता नहीं है, तो सारा कुछ इसके बीच में है। तो ये चावलों की बड़ी मज़ेदार है, खोपरा वगैरह बादाम पिस्ता सब कुछ इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। मैंने खाई है, बड़ी मज़ेदार है। अगर आप लोगों को पसंद है तो बताइएगा किस किस को पसंद है। ठीक है, ये मैं खाने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा ये सुबह नाश्ते में भी, सर्दियों में पता है पंजाब वाले ये खाते हैं, और हमारे में जैसे कोई जाता है तो हम लोग पुप्पो के हाथ की जरूर मंगवाते हैं। तो पुप्पो के हाथ का जो जायका है ना बड़ा जबरदस्त है, हमारे खानदान में मशहूर है। हमारी पुप्पो जो है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनके हाथ से हम खाते रहे। बाकी अब्बू गए हुए थे पंजाब तो वो लेकर आए हैं, बाकी बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, आपको पता है चाय के साथ ये बड़ी मज़ेदार लगती है, चाय के साथ ऐसी वैरायटियां जो है ना बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं सर्दियों में। तो बस ये लेकर आई थी, और खाने में मैंने आज बनाया है जी, खाने में जो मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है पालक। अब थोड़ी सी खाई, दिल करता खाई जाऊँ, तो पालक मैंने बनाई है। तो पालक जो है, देखा मैंने ये रोटी, अब मेरा दिल कर रहा है मैं खा लूं। उसने जो कर दिया पूरा जवाब दे दिया। वैसे तो चाय बनाई हो और चाय के साथ ये खाए बड़ा मजेदार लगता है। तो पालक मैंने बनाई हूँ, ये जफर के रोटी देने के लिए पालक मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम लोगों ने ना खाना वाना नहीं खाया, तो जफर गए हुए रोटी लेने के लिए, पालक आज मैंने बनाई हुई है। और ये बिग बॉस मैं देख रही हूँ, और हमारी जो टीवी का कभी ये हमारी केबल सही हो जाती है तो कभी ख़राब हो जाती है, तो बस ऐसे ही देख रही होती हूँ। तो यहाँ पे जी ब्लॉग ख़त्म करते हैं। पिनी आई थी जो मैंने ब्लॉग में की आप लोग इस शेयर, और ये आज मेरी न्यू शर्ट है जो मैंने काफ़ी टाइम बाद ये पहनी हूँ,
और सर्दियों का मौसम है आपको, तो सर्दियों में वैसे ही कपड़े पहनने में मजा आता है, गर्मियों में तो वैसे जो ना बुरा हाल होता है, समझ ही नहीं आता कि कौन से कपड़े पहने जाए। ठीक है, तो ये मेरी शर्ट है जो आज मैंने निकाली है और पहनी है, और ये मेरी न्यू शर्ट है। तो बस सर्दियों का मौसम था तो मैंने बोले क्यों ना पहन पहन के थोड़ा इनको खत्म किया जाए। तो बस ऐसे ही कपड़े पड़े हुए जो गर्मियों की वजह से नहीं पहने जाते थे। तो बस गाँव में याद रखिएगा, आज अल्लाह का शुक्र है सर्दी भी कम है, मौसम अच्छा है, थोड़ा था पर ये शाम से जो है ना ठंडक थोड़ी सी कम हुई हुई है, इस वजह से स्वेटर नहीं पहना हुआ, तो पर्दे भी आगे नहीं किए हुए, इस साइड का भी पर्दा आगे नहीं किया हुआ, तो मौसम थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, तो बस अपना बहुत सारा ध्यान रखे, तैयारी करे, दो दिन रह के तीन दिन रह के बीहर में बस इतना में याद रखिएगा। Peace.